गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम, सारी संगत को कोटि कोटि प्रणाम, शुक्राना गुरु जी का कि मुझे आज ये मौका मिला अपना सत्संग शेयर करने का, तो बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ गुरु जी से। संगत जी, मैं गुरु जी के पास 2017 में पहुंचा, और गुरु जी के पास आने से पहले बींगा सिख बींगा सरदार मैं बिल्कुल गुरुद्वारे को मानता था, गुरुद्वारे के सिवा मैं कहीं पर भी नहीं जाता था, और मेरी लाइफ में कुछ भी मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी भी किसी और दर पे जाऊंगा। और अपने जो लोकल एरिया में गुरुद्वारे का मैनेजमेंट में भी था मैं, तो बड़ा ही एक तरह से कहते हैं जिसको कट्टर सिख कह सकते हो आप, वो था मैं। और मैंने जैसे मुझे पता लगा गुरु जी के बारे में, मेरा एक फ्रेंड ने मुझे बताया, उसके मैं अगर उसके ऑफिस गया तो वहां पर गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ था, तो मैंने उससे पूछा कि ये कौन है, तो उसने मुझे बताया गुरु जी के बारे में, और उसने अपने कुछ सत्संग शेयर करे मेरे साथ। मैंने वो सुने और एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिए, जनरली जैसा हम लोग करते हैं, तो यही हुआ। और मैंने उसने मुझे उस टाइम ये बात बोली कि गुरु जी के जो मंदिर है वो भाटी माइंस में मंदिर है उनका, तू कभी जाना जरूर। तो मैंने ना हाँ बोला ना बोला, मैंने सोचा कि ठीक है देखी जाएगी क्या होगा। और उसने मुझे बताया था कि गुरु जी का बर्थडे आता है जुलाई में, और वो बर्थडे आने वाला था कुछ टाइम के बाद, तो उसने मुझे बोला कि बहुत बड़ा फंक्शन होता है तू कभी जाना। बट मैंने उस बात पर ध्यान नहीं दिया, और एक दिन 6 जुलाई की बात है, मैं अपने ऑफिस जा रहा था, रास्ते में जैसे जनरली हम क्या करते हैं, जैसे रेड लाइट में मेरी गाड़ी रुकी हुई थी, तो मैं अपना फोन उठाया और मैं देखने लग गया, स्क्रॉल किया, और फेसबुक पर गुरु जी का स्वरूप मेरे सामने आ गया, और उस पर लिखा हुआ था गुरु जी इस बर्थडे। तो मुझे लगा कि शायद आज गुरु जी का बर्थडे है, तो इसलिए ये गुरु जी का स्वरूप मेरे सामने आया। मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया, तो मैंने उसको यही बोला कि तेरे गुरु जी का आज बर्थडे है, तो उसने मुझे बोला नहीं नहीं आज नहीं है, कल बर्थडे है, तू चले जाना। तभी मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया, मैं कहा ओके। और नेक्स्ट डे संगत जी सडनली मुझे पता नहीं क्या हुआ, शाम के टाइम 5 या 6 बजे जैसे कि अंदर से कोई आवाज आई, और मैंने अपनी आंटी को कॉल किया, मैंने बोला कि आज रेडी हो जाओ हमने कहीं जाना है। तो मेरी आंटी ने मेरी आंटी और बच्चे रेडी हो गए, मैं घर आया, उनको लेकर मैं गुरु जी के मंदिर पहुंचा। तो मैं जब वहां पहुंचा तो जैसा आप सबको पता है कि गुरु जी के बर्थडे वाले दिन कितना रश होता है वहां पर, कितने लोग होते हैं, तो वही सिस्टम से मैं पहुंचा, गाड़ी पार्किंग पे लगाई, शटल में बैठा, बाहर फार्म हाउस पे वेट किया। तो करते करते मुझे काफी टाइम लग गया, हमें मंदिर के गेट तक पहुंचते पहुंचते रात को 12:30-1 बज गए, काफी ज्यादा वेटिंग हो गई, तो बहुत पैनिक हो गया, मेरे बच्चे भी बहुत घबरा गए, पापा हम कहाँ आ गए, चलो वापस चलते हैं। तो मंदिर के गेट पर आकर एक बार तो मेरा मन हुआ कि मैं यहाँ से वापस चला जाता हूँ, यहीं से मत्था टेक लेता हूँ, बट फिर ऐसा लगा जैसे गुरु जी ने अंदर बुलाना था, तो मैंने बोला जब यहाँ तक आ गए हैं, इतना टाइम वेट भी किया है, तो चलो एक बार अंदर भी चले जाते हैं। तो मैंने मंदिर के अंदर हम लोग अंदर गए, मत्था टेका, और वहां से लंगर प्रसाद लिया, और हम लोग वापिस आ गए घर। बट मुझे ऐसा कोई कनेक्शन फील नहीं हुआ, बस मुझे एक था कि चलो एक जगह थी देखनी थी, देख ली। उसके बाद मैं अपने रूटीन वर्क में बिजी हो गया, और मैंने कभी दोबारा सोचा भी नहीं कि मैं मंदिर जाऊंगा। मैं संगत जी उसके तकरीबन 1.5 महीने के बाद 20 अगस्त 2017 को गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए ड्रीम में। गुरु जी अपने सिंहासन पर बैठे थे, उन्होंने ब्लैक कलर का सिल्क का चोला पहना हुआ था जिसमें व्हाइट कलर की स्ट्राइप्स थी, और वो मैं नीचे बैठा था उनके सामने, और उन्होंने मुझे देखा और जैसे हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं इस मुद्रा में उन्होंने मुझे बहुत बड़ी स्माइल के साथ ऐसे हाथ जोड़ के जैसे सत श्री अकाल कर रहे हैं मुझे। और मैं सडनली देखता हूँ गुरु जी को, और मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मैं रोने लग जाता हूँ, और मैं गुरु जी को ऊपर उठ के हक कर लेता हूँ, और जैसे ही मैं उनको हक करता हूँ तो गुरु जी भी मुझे हक कर लेते हैं, और मेरे को मेरी पीठ पे शाबाशी देते हैं, मुझे बोलते हैं शाबाश 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 पांडे मांझ, यानी कि बर्तन मांझ। तो मैं उसके बाद मेरा ड्रीम ओवर होता है, और तब तक संगत जी मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि गुरु जी के दर्शन ड्रीम में होते हैं, तो मैं बड़ा हैरान भी था। और मैं उठ के मैंने अपनी आंटी से बोला कि हम जिनके मंदिर में गए थे ना वो ले गुरु जी आज मेरे सपने में आए। तो आंटी भी हैरान हुई, अच्छा। मैंने बोला हाँ पता नहीं, मतलब मैंने तो कभी उनके बारे में ना कभी सोचा था ना कुछ, हमें जनरली सपने में ड्रीम में वही चीजें आती हैं जिनके बारे में हम सोच रहे होते हैं। तो मैंने कहा मैंने तो कभी उनको याद नहीं किया, ना मेरे को कोई ऐसा कोई कनेक्शन हुआ, उनका सपने में आने का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन चलो ठीक है।
फिर मैंने उसी दिन शाम को अपने फ्रेंड को कॉल किया जिसने मुझे उनके पास भेजा था। तो मैंने उसको बोला कि यार वो तेरे वाले तेरे गुरुजी मेरे सपने में आए। तो वो बहुत ही खुश हुआ और बहुत ही हैरान भी हुआ, और उसने मुझे बताया कि यार तू बहुत किस्मत वाला है कि गुरुजी ने तेको दर्शन दिए। ये जो ड्रीम में गुरुजी का आना, ये गुरुजी का दर्शन होता है, और गुरुजी की मर्जी के बगैर कोई ये ड्रीम देख भी नहीं सकता। तो मैं भी बड़ा हैरान था कि बट वाई मी, मुझे दर्शन कैसे दे दिए उन्होंने, और मेरा तो कोई ऐसा कनेक्शन भी नहीं है उनके साथ, ना मैंने कभी उनके बारे में सोचा, ना मैंने कभी मतलब मेरे मन में ऐसी कोई फीलिंग है। तो वो बोलता है ये गुरुजी की मर्जी है कि वो किसको कैसे दर्शन देते हैं। और मैंने उसको बताया अपना सत्संग की, मेरे को उसने मुझसे पूछा कि गुरुजी ने कुछ बोला, तो मैंने बताया कि हाँ गुरुजी ने मुझे ऐसे करके शाबाशी दी है और मुझे बोलते हैं कि जाके पांडे मांझ। तो उसने मुझे बताया कि फिर तो बहुत अच्छी बात है, गुरुजी ने तो तुझे आज्ञा कर दी है कि तू बर्तन मांझ, तो जा तेरा कल्याण है बर्तन मांझने में। संगत जी मैं उसके बाद मंदिर पहुंचा, मुझे मंदिर के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि वहां का डिसिप्लिन, वहां के रूल्स रेगुलेशन के बारे में। मुझे लगा कि जैसे हम लोग गुरुद्वारे जाते हैं और गुरुद्वारे जाके जनरली सेवा करते हैं, कोई भी जा सकता है, कुछ भी सेवा कर सकता है, तो शायद वही सिस्टम होगा। तो मैं उसके बाद मंदिर गया, सिर्फ मेरे मन में यही बात थी कि गुरुजी ने बोला कि पांडे मांझ, तो चलो उनके मंदिर में पांडे मांझ लेता हूँ। तो मैं जब किचन के पास पहुंचा, वहां पे मैं अंदर जाने लगा किचन के, तो मुझे रोका एक सिक्योरिटी वाले अंकल ने कि अंकल कहाँ जा रहे हो। तो मैंने बोला अंकल मैं अंदर जा रहा हूँ, मुझे ना सेवा करनी है। तो उन्होंने रोका, नहीं अंकल ऐसे नहीं होता, आप एक वहां पे कोऑर्डिनेटर अंकल थे, उन्होंने कहा इनसे बात कर लो। तो मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा अंकल मेरे को ना सेवा करनी है, मुझे गुरुजी ने ऐसे ऐसे करके आज्ञा दी थी, मेरे ड्रीम में आए थे, उन्होंने बोला कि पांडे मांझ, तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे बर्तन मांझने की सेवा कर लूं। तो अंकल ने मुझे बताया कि अंकल ऐसा नहीं होता, आप अभी संगत में आए हो, आज आप सेकंड टाइम आए हो, तो आप रेगुलर आओ, 6-8 महीने साल सेवा जरूर मिल जाएगी आपको, लेकिन अभी एकदम से नहीं मिल सकती। तब मुझे पता लगा कि, और मैं थोड़ा डिसअपॉइंट भी हो गया, मैंने सोचा कि ये क्या वो है, गुरुजी ने तो मुझे बोला है कि पांडे मांझ और यहाँ तो कोई आने नहीं दे रहा, सेवा नहीं मिल रही। तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया और मैं वापस आ गया। नेक्स्ट डे मैं बंगला साहब गुरुद्वारे गया अपनी वाइफ को लेकर, मैंने हमने वहां पे जाके पांडे मांझे। मुझे लगा कि शायद पांडे मांझने से मेरा कोई कल्याण होना होगा, कोई कष्ट दूर होना होगा, वो गुरुजी ही जानते हैं। तो मैं वहां चला गया और मैंने वहां पे जाके बर्तन की सेवा करी। बट फिर भी मेरे मन में कहीं ना कहीं ये बात थी कि मुझे गुरुजी के मंदिर में ही एक बार बर्तन तो जरूर मांझने हैं। तो समझ जी उसी के बाद नेक्स्ट संडे आया, तो मैं, मुझे पता नहीं था कि संडे को मंदिर बंद होता है। मैं सुबह सुबह मतलब 10 बजे के आसपास मैं मंदिर पहुंच गया, तो देखा कि कुछ लोग सेवादार जो थे वो अंदर जा रहे थे मेन गेट से ही, तो मैं भी उनके पीछे पीछे अंदर जाने लगा। तो मुझे फिर सिक्योरिटी वाले अंकल ने रोका, उन्होंने बोला कि अंकल आप कहाँ जा रहे हो, आप सेवा में हो। मैं कहा नहीं अंकल, बट मुझे सेवा करनी है। तो उन्होंने बोला नहीं अंकल ऐसा नहीं होता, अभी आप संगत में आयो, संगत में आप आओ, कुछ टाइम के बाद आपको सेवा मिल जाएगी अपने आप, जब गुरु जी जाएंगे, लेकिन ऐसे अभी सेवा नहीं कर सकते। तो मैं बड़ा डिसअपॉइंट हो गया और मैं थोड़ा भावुक भी हो गया, और मैंने गुरु जी से बोला कि गुरु जी तुसी ते कहंदे हो कि सेवा कर पांडे मांझते, मैनू ते इत्थे कोई वड़न नहीं दिंदा तुहाडे मंदिर दे अंदर, ऐ की सिस्टम है, तुहाडा हुक्म की है फिर। तो मैंने कहा बोला अंकल क्या करूं, वो बोलते आप यहीं बाहर से मत्था टेक लो। तो मैं मंदिर के मेन गेट पे ही मत्था टेकने लगा, वहां पे कुछ और भी संगत आई हुई थी जो मत्था टेकने के लिए बाहर थी, तो मैं उनके साथ सबके साथ मैं भी मैंने मत्था टेका वहां पर। और जैसे ही मत्था टेका और टेक के खड़ा हुआ, तो अंदर से एक अंकल आते हैं और सीधा मेरे पास आए, मुझे बोलते हैं हाँ क्या हुआ। तो मैं, मेरी आंखों में आंसू होते हैं, मैं उनको बोलता हूँ सेवा करनी है, मिलती नहीं। तो उन्होंने बोला अच्छा सेवा नहीं मिलती, आओ मेरे साथ आओ। तो मैं, वो मेरे को उस टाइम जोड़े घर की कंस्ट्रक्शन चल रही थी, मुझे वहां ले जाते हैं और मुझे बोलते हैं कि ये जोड़े घर की कंस्ट्रक्शन हो रही है, आप यहाँ पर मिस्त्रियों के साथ जो जो इनके जरूरत का सामान है वो प्रोवाइड कराओ, यहाँ देखो कि यहाँ पे सेवा यहाँ कर लो। तो मैं, मुझे कुछ सेटिस्फेक्शन मिली कि चलो शुक्र है गुरुजी, कम से कम सेवा तो मिली, पांडव की नहीं मिली लेकिन जो भी सेवा मिली आपके उस पर सेवा तो कर ही रहा हूं। अभी 5 मिनट भी नहीं हुए मुझे वहां पे सेवा करते हुए कि एक और अंकल आए, एक सेवादार अंकल आए, उन्होंने मुझे पीछे से बुलाया कि अंकल मेरे साथ आओ। तो मैं उनके साथ चल पड़ा, तो वो मुझे मंदिर के अंदर ले गए पिछले गेट से और म्यूजिक रूम से होते हुए सीढ़ियों से ऊपर ले गए शिवलिंग पर। तो मुझे उस टाइम बिल्कुल भी पता नहीं था कि शिवलिंग का क्या महत्व है, और तो मैं वहां पहुंचा शिवलिंग पर और मैंने वहां पर संगत जी 2 घंटे सेवा करी उस दिन, वो मतलब मेरी पहली सेवा थी। और आप यकीन मानिए कि 15 मिनट पहले जिसको मंदिर के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा था, रोक दिया गया था,
गुरु जी ने उसको 15 मिनट के अंदर शिवलिंग पर पहुंचाया और सेवा करवाई 2 घंटे की। तो इतना इतने हमारे गुरु जी दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, वो सिर्फ भाव देखते हैं। अगर आपका भाव सच्चा है, आपके मन में सेवा भाव है या आपके मन में कोई भी उनके प्रति भावना है, तो वो जरूर उसको सुनते हैं। सिर्फ भाव के भूखे हैं हमारे गुरु जी। तो ये यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और मैंने उसके बाद मंदिर में मैं रेगुलर आने लगा। एक तरह से मेरी लिव लग गई, समझ लीजिए कि मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं घर से निकलता था, मेरी आंटी मेरा लंच पैक करती थी, मैं बैग उठाता था और मैं मेरी गाड़ी जो है मेरे ऑफिस जाने की बजाय मंदिर की तरफ मुड़ जाती थी हर रोज। और ये सिलसिला चलता रहा 2-3 महीने तक। मैं रोज आता था, जब मैं मंदिर पहुंच जाता था, कंस्ट्रक्शन की सेवा में लग जाता था और वहां से दोपहर में लंगर प्रसाद लिया और वहां से अगर टाइम बचा मेरे पास कुछ तो मैं ऑफिस चला गया, नहीं बचा तो वापस आ जाता था। तो मेरी आंटी रोज देखती थी कि लंच बॉक्स आपका एज इट इज वापस आ जाता है, आप करते क्या हो, आप खाते क्यों नहीं हो। मैं आज मंदिर चला गया था तो मैंने वहीं लंगर कर लिया। तो मुझे आंटी रोज पूछती थी कि आज तो जाओगे ना काम पे, आपने काम वाम बिल्कुल छोड़ दिया है और आप काम पे जाते ही नहीं हो। बट मुझे नहीं पता था संगत जी कैसे होता था कि मैं रोज मंदिर पहुंच जाता था, गुरु जी ने कौन से कष्ट कटवाने थे, क्या करना था। और ये सिलसिला 2-3 महीने चला और मैं आपको बताता हूँ कि गुरु जी के अपने मैसेजेस कैसे देते हैं। तो 3 महीने के बाद एक दिन मैंने जब सेवा कंप्लीट करी, लंगर प्रसाद लिया, हाथ मुंह धोया और मैं अपनी वहां से गाड़ी निकाल के चला, तो ट्रांसफार्मर पे एक अंकल खड़े थे, उन्होंने मेरी गाड़ी रोकी लिफ्ट मांगने के लिए कि मुझे टी पॉइंट तक छोड़ दो। और संगत जी मैंने उन अंकल को कभी नहीं देखा था क्योंकि मैं रेगुलर मंदिर आ रहा था तो मुझे जान पहचान हो गई थी। सेवादारों को मैं रोज देखता था, जो रेगुलर आने वाले सेवादार होते थे, तो मेरे को उनमें से वो कभी नहीं दिखे। और वो अंकल आकर मेरी गाड़ी में बैठे और मैं गाड़ी चलाई, चलाते ही उन्होंने मुझे एक ही बात बोली, वो कहते हैं अंकल गुरुजी खुश नहीं होते तुसी रोज इतने कम छटके आ जाते हो। और संगत जी यू बिलीव मी, मेरा मुंह खुला रह गया। मैं ये सोच रहा था कि इन अंकल को कैसे पता कि मैं रोज काम छोड़ के मंदिर आ जाता हूँ। उन्होंने मुझे एक ही बात बोली कि अंकल गुरुजी खुश नहीं होते तुसी रोज कम छटके इतने आ जाते हो, गुरुजी कहने ने पहले अपने काम कर बाद मेरे को लाई। तो मुझे उस दिन वो मैसेज गुरुजी ने, वो क्लियर मैसेज मुझे दिया जिसमें कि मुझे ये पता चल गया कि गुरुजी इस बात से ये चाहते हैं कि मैं अपने काम पर रोज जाऊं। तो उसके बाद उसी दिन मैंने गुरुजी से मैंने माफी मांगी और मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी अब मैं रोज अपने काम पे जाऊंगा, आई एम वेरी सॉरी। और मैं उसके बाद मैंने एक दिन, मेरा थर्सडे का दिन था तो मैंने थर्सडे को सेवा करना शुरू कर दी। गुरुजी ने मेरी बर्तन मांजने की सेवा लगवा दी, मैं आज भी बर्तन मांजता हूँ। गुरुजी की इतनी कृपा है, इतना शुक्राना है उनका कि उनकी कृपा के सदके उन्होंने मुझे चुन लिया, अपने एज अ सेवादार चुन लिया, तो मैं बहुत शुक्राना करता हूँ। इसके बाद संगत जी गुरुजी ने मुझे कई बार दर्शन दिए और उनके दर्शनों में वो मेरे से मुझे उन्होंने ये तक बता दिया कि मुझे क्या काम करना है। मेरा जो भी काम था मैं वो करता था रेगुलर। तो उससे पहले क्या हुआ था कि मेरे मन में गुरुजी के लिए, मुझे थोड़ा बहुत सिंगिंग का शौक है, ज्यादा नहीं, बट मैंने कभी कोई ऐसा कभी कुछ गाया नहीं था प्रोफेशनल या कभी कुछ नहीं गाया था, बस एक जैसे कहते हैं कि बाथरूम सिंगर, तो मैं वो था। और अचानक से मेरे मन में कुछ लाइंस आने लगी गुरुजी के लिए, मेरे को लगा जैसे मैं कोई भजन लिख रहा हूँ, तो वो लाइंस मैं लिखता गया और वो एक भजन बन गया। तो मैंने वो भजन रिकॉर्ड किया, मैं स्टूडियो में गया, मैंने वहां पे वो भजन रिकॉर्ड करवाया कि मुझे ये भजन रिकॉर्ड करना है। एक किया, उसके बाद दूसरा किया, फिर तीसरा किया, तो ऐसे 2-3 बार ऐसा हुआ। और एक दिन गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए, मेरे पास आए, मेरे कंधे पे हाथ रखा और मुझे बोलते हैं कि तू गवाना है ना, मैं सोच रहे हैं तेन दिन गवाऊंगा, और मुझे फिर बोलते हैं तू दाल ना कम कर। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, जब ड्रीम ओवर हुआ मैंने अपनी आंटी को बताया कि गुरुजी आए थे, मुझे उन्होंने दर्शन देके बोला कि तू, मैं सोच रहा हूँ तेको एक दिन गवाऊंगा। तो बड़ा खुश भी था मैं कि शुक्राना गुरुजी, आपको ये बात पता है कि मैं गाता हूँ आपके लिए और आपने इतनी बड़ी बात बोल दी, मेरे लिए इतनी बड़ी ब्लेसिंग है ये। तो मैं बहुत खुश था और थोड़ा सा कंफ्यूज भी था कि गुरुजी ने मुझे बोला है तू दाल का काम कर, मैं दाल का काम कैसे करूं, मुझे तो दालों के नाम तक पता नहीं है, मेरी तो लाइन ही बिल्कुल डिफरेंट है। तो मैं बड़ा हैरान था कि गुरुजी की काम भी बता देते हो आप,
और गुरुजी ने मुझे काम भी बताया। अच्छा, ये बात लॉकडाउन से कुछ महीने पहले की थी, तो मेरे मन में बड़ी कंफ्यूजन थी और मैं कई बार सोचता भी था कि कैसे करते हैं दाल का काम, क्या करना होगा दाल के काम में। तो कई बार सोचा लेकिन क्या होता है कि हम ऐसे इंसान है कि चाहे गुरु जी को तो मानते हैं लेकिन गुरु जी की नहीं मानते हैं। तो मैं भी उनमें से एक हूँ कि गुरु जी को तो मानता था बट गुरु जी की बोली हुई बात को नहीं मानता था। उन्होंने बोला दाल का काम करने के लिए बट मैं सोचता ही रहा कि कैसे होगा, मैं कैसे करूं। तो उसके बाद संगत जी सडनली लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन होते ही मुझे ये बात समझ आ गई कि गुरु जी ने मुझे पहले ही दाल का काम करने के लिए बोल दिया था। अगर मैं उस टाइम से ही दाल का काम कर लेता तो लॉकडाउन के अंदर मेरे पास बहुत काम होता, मैं खाली ना बैठता, क्योंकि 3 महीने बिल्कुल खाली बैठ गया था। कोई काम नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, सब ऑफिस बंद, शॉप्स बंद, घर पे थे। तो ये बात समझ आ गई कि गुरु जी पहले ही हमें वो बात बता देते हैं, वो रास्ता दिखा देते हैं, बस हम ही इतने निगम में हैं और हम ही इतने नाशुक्र हैं कि उनकी बातों को मानते नहीं है। तो बहुत माफिया मांगी गुरु जी से। मैंने कहा, गुरु जी मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, आपने तो मुझे पहले ही रास्ता दिखा दिया था लेकिन मैं ही ऐसा निकला कि मैंने वो बात मानी नहीं। इसके बाद मैंने ये बात सोची कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा मैं दाल का काम करूंगा, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा। तो संगत जी, लॉकडाउन ओपन हुआ मई में लास्ट ईयर और मैं सीधा खारी बावली चला गया, जहाँ पे दालों का होलसेल होता है, वहां चला गया और मैंने वहां जाके मार्केट में सर्च करना शुरू किया दालों के बारे में, दालों के क्वालिटी के बारे में कुछ पूछना शुरू किया। तो वहां पर क्या होता है कि कटोरियों में दालों के सैंपल्स रखे होते हैं बहुत सारे, हर शॉप के आगे पड़े हुए थे। तो मैं जाता था, मैं उसे पूछता था कि ये चने की दाल है तो इसका क्या रेट है, तो कोई बोलता था 6,000, इसका 5,800, इसका 5,500। तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये रेट, पहले तो मुझे प्राइस ही समझ नहीं आता, ये 6,000, 5,800, 5,500 क्या होता है। उसके बाद मुझे क्वालिटी के बारे में कुछ नहीं पता था कि कौन सी क्वालिटी की दाल अच्छी होती है, कौन सी क्वालिटी की नहीं होती। इनफैक्ट पूरी दालों के नाम भी नहीं पता थे। तो 1-1.5 घंटा मैं वहां घूमता रहा और इतना कंफ्यूज हो गया। मैंने सोचा कि गुरुजी मेरे से तो कुछ नहीं होगा, मेरे बस की तो नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मैं वहां जब थक गया और मैं बिल्कुल हाथ खड़े हो गए मेरे, तो मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करने लगा। एक रोड पे ही साइड में खड़ा हो गया और मैं वहां खड़े खड़े अपने मन में गुरुजी का मंत्र जाप करने लगा। मैंने कहा, गुरुजी हुन मेरे तो नहीं हो रहा, हुन इस तो बाद तुसी रास्ता दिखाओ कि मैं की करा। तो मंत्र जाप 10 मिनट तक मैंने वहां मंत्र जाप किया और मैं वहां से फिर चला। संगत जी आप बिलीव करना, 10 कदम चला था मैं, मुझे गुरुजी ने अपना स्वरूप एक दुकान के अंदर दिखा दिया उसी दिन वहीं पर। तो मैं जैसे ही मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा, मैं समझ गया कि गुरुजी आपने मुझे रास्ता दिखा दिया। तो मैं सीधा उस दुकान में घुसा और मैंने उनको जय गुरुजी बोला। तो आप जानते हैं कि संगत कितना प्यार करती है एक दूसरे के साथ, गुरुजी की संगत। तो उन्होंने मुझे बिठाया बड़े प्यार से, उन्होंने मुझे बोला जय गुरुजी अंकल बैठो। तो मैंने उनको अपना सत्संग सुनाया। मैं कहा, अंकल मुझे गुरुजी ने बोला कि दाला काम कर, गुरुजी ने मुझे आज्ञा की है कि दाला का काम कर। तो मैं यहाँ पे दालों के लिए आया था बट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, यहाँ तो इतनी बड़ी मार्केट है और इतनी सारी वैरायटी है कि मेरे को तो यही नहीं पता लग रहा कि क्वालिटी क्या होती है, रेट्स कैसे होंगे, तो मैं क्या करूं अंकल। तो उन्होंने मुझे गाइड किया, उन्होंने मुझे वो प्रॉपर जगह बताई कि अंकल मैं आपको बताता हूँ, आप एक ऐसी जगह वहां जाओ, वहां से आपको बिल्कुल अच्छी क्वालिटी की, नंबर 1 क्वालिटी की, बहुत और जिनके रेट भी गलत नहीं होंगे, अच्छे रेट, ठीक रेट वाली चीजें। उन्होंने मुझे वो गाइड किया, यानी कि गुरु जी ने मुझे गाइड किया। तो उस दिन से मैंने दालों का काम शुरू किया, गुरु जी ने मेरे को वो ब्लेसिंग दी और मैं आज भी वो काम कर रहा हूँ। मैं अपना पहले वाला काम भी कर रहा हूँ, साथ साथ में दालों का काम भी कर रहा हूँ। तो इतना शुक्राना है गुरु जी का। इसके बाद लॉकडाउन के बाद ही मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ एक अभी लेटेस्ट सत्संग जो हुआ वो ये था कि जैसे कि शायद आप जानते होंगे कि जूम पर भी मैं एज अ होस्ट आता हूँ, तो सेवा ये गुरुजी ने बख्शी जूम पर। तो जब ये जूम की सेवा हो रही थी तो एक आंटी का मुझे कॉल आता है। वो आंटी मुझे कहती है कि अंकल मुझे गुरुजी का उनको थॉट आया कि मैं उनके घर पर जाऊं सत्संग में। तो वो आंटी का मुझे कॉल आता कि अंकल गुरुजी मेरे को कह रहे हैं कि वो अंकल वो अपने घर बुला जरा जूम का सत्संग कर दें। तो मैं बड़ा खुश भी था, मैं कहा शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी मुझे याद करते हैं और उन्होंने बोला, तो मैंने कहा आंटी मैं जरूर आऊंगा।
संगत जी, मैं अपनी आंटी के साथ वहां उनके घर गया और उनके घर पे उन्होंने मुझे सबसे आगे बिठा दिया कि अंकल आप यहाँ बैठो। बिल्कुल गुरु जी के चरणों के पास मैं बैठ गया और उस दिन पहली बार ऐसा हुआ था कि गुरु जी के चरणों से मेरी लिव लग गई। मैं गुरु जी के चरणों का स्वरूप देख रहा था, स्वरूप देखते देखते मुझे इतना प्यार आ रहा था चरणों पर कि मेरा मन कर रहा था कि मैं अभी इस स्वरूप को अपने हाथों से उठाकर चूम लूं चरणों को। बहुत बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था, इतना मतलब मैं भावुक हो रहा था और मेरे को इतना प्यार उमड़ रहा था उनके चरणों पर। तो मेरा इतना मन कर रहा था कि गुरुजी, मेरा इतना मन कर रहा है कि मैं चरणों को चूम लवा, उन्हें चूम लवा, बट ऐसा मैं कर नहीं सकता था। और वहां बैठे बैठे दो घंटे में बस चरणों को ही निहार रहा था और उन्हें ही प्यार कर रहा था। तो संगत जी, उस दिन सत्संग ओवर होता है, मैं वहां से घर आता हूँ, मैं और आंटी वापस आए। अगले दिन सुबह गुरुजी मेरे ड्रीम में आते हैं, दर्शन देते हैं, व्हाइट चोले में सामने से चलते हुए आए और उन्होंने अपने एक पैर से जुत्ती उतारी और एक पैर मेरी तरफ आगे बढ़ा दिया। संगत जी, यू बिलीव मी, मैंने झुक कर उनके पांव को पहले माथा टेका और फिर चूमा, और उसके बाद मेरे बड़े बेटे ने भी सेम किया और छोटे बेटे ने भी फिर सेम किया। और मैंने गुरुजी खड़े थे तो मैंने गुरुजी का हाथ पकड़ लिया और गुरुजी ने इतनी कृपा बरसाई मेरे ऊपर, इतनी ब्लेसिंग दी मेरे को कि आप सोचिए कि एक दिन पहले मैं गुरुजी के चरणों को देखकर चाह रहा था कि मैं इनको चूम लूं, और अगले दिन सुबह गुरुजी ने आके मेरे को अपने चरण मेरे आगे कर दिए कि अल्लाह चूम ले। तो इतने दयालु, इतने कृपालु गुरुजी हमें कहां मिलेंगे, कहां मिलेंगे, जो हमारी मन की एक एक बात जानते हैं, जो हमारा एक एक भाव पढ़ लेते हैं, जो उन्हें ये पता है कि इनको क्या चाहिए, वो अपने आप वो चीज दे देते हैं। तो इतना शुक्राना, जितना शुक्राना हम गुरुजी का करें उतना कम है। और सत्संग और भी हैं, बहुत से हैं, जरूर जब भी दोबारा कभी टाइम मिलेगा तो मैं जरूर आके फिर शेयर करूंगा। इतना ही सत्संग करते हुए मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। अगर सत्संग करते हुए मुझसे कोई भूल चुको कोई हो तो मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ। जय गुरु जी।